हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आज के इस वोकैबुलरी शो में और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं आपके फेवरेट वोकैबुलरी सीरीज पार्ट की, द हिंदू वोकैबुलरी, जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स की, साथ ही साथ एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर जीके जीएस कवर करने की कोशिश नहीं करते, यहाँ पर हम पैसेज की इंग्लिश को अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो इंग्लिश में वीक हैं, साथ साथ वो चाहते हैं वोकैबुलरी इनहांस हो जाए और उनको कुछ हेल्प मिल जाए कि हम कैसे इंग्लिश में अपना सिक्का जमा सकते हैं। चलो, सिक्का जमाने की बात हो रही है तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। द कंट्रास्टिंग रीसेंट इलेक्शन आउटकम्स अ मंथ अपार्ट इन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टेल अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। कह रहा है कंट्रास्टिंग, सबसे पहले कंट्रास्टिंग वर्ड का मतलब होता है जो डिफरेंस है, उसमें भिन्नता है, उसकी बात कर रहा है। हाल ही में हुए इलेक्शंस की, चुनाव आउटकम्स, रिजल्ट, अ मंथ अपार्ट इन इंडिया, पहले भारत में उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को बताते हैं। एज आई पॉइंटेड आउट मिस्चीवियसली ऑन सोशल मीडिया, अब की बार 400 बार हैपेंड, मिस्चीवियसली मतलब एक मिस्चिफ, एक कृत ऐसा किया गया, सोशल मीडिया पर लाइन चलाई की बार 400 बार हैपेंड, बट नॉट इन द कंट्री हुज प्राइम मिनिस्टर प्रिडिक्टेड इट, बट नॉट इन द कंट्री हुज प्राइम मिनिस्टर प्रिडिक्ट, उस कंट्री में नहीं जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उसको वो एक मतलब प्रमोट किया था। इट वॉज ब्रिटेन्स लेबर पार्टी दैट क्रॉस्ड दैट फॉर्मिडेबल थ्रेश होल्ड टू रिकॉर्ड इट्स मोस्ट इम्प्रेसिव विन एट द एक्सपेंस ऑफ कंजर्वेटिव्स। लेबर पार्टी जो है वहाँ की, ब्रिटेन की, उसने उस खतरनाक से एक फॉर्मिडेबल, जिसे कहते हैं एक, जिसे बहुत ही जो खतरे से भरा हो सकता है, मुश्किलों से भरा हो सकता है, उस थ्रेशहोल्ड को, उस लिमिट को, थ्रेशहोल्ड मतलब लिमिट को पार कर लिया। थ्रेशहोल्ड फॉर्मिडेबल मतलब घातक, खतरा, जिसमें कुछ धमकी जैसे इन्वॉल्व हो या वार्निंग हो, थ्रेट हो, मुश्किल हो, उसको रिकॉर्ड इट्स मोस्ट इम्प्रेसिव एट द एक्सपेंस ऑफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो अपने जो पहले इनके प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि इंडियन जो ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बात चल रही है, उनको हरा करके लेबर पार्टी ने जीत हासिल की। वाइल इंडिया द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी विच हैड ब्रैशली रैन आउट ऑन द स्लोगन लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इज नाउ डिपेंडेंट ऑन अलायंस टू हैव अ गवर्नमेंट। तो उसने 240-241 सीटें पाई बीजेपी ने, और अपना दूसरों का समर्थन उनको लेना पड़ा बहुत सारी सीटों का, लगभग मैं कहूँगा 30 सीटों का, ऑलमोस्ट 30-32 सीटों का समर्थन लेना पड़ा। इन बोथ इलेक्शंस द वोटर हैड अ डिसाइसिव से इन कटिंग प्रिटेंशंस ऑफ रूलिंग पार्टीज डाउन साइड। प्रिटेंशन मतलब जिन चीज़ों का अंदाजा, अनुमान लगाया जा रहा था कि ये हो सकता है वो, है ना। बाय द एंड ऑफ द ईयर मोर देन 60 कंट्रीज विल, सम 4 बिलियन पीपल विल हैव हेल्ड नेशनल इलेक्शंस एंड पंडित्स आर एट लॉस टू डिसर्न। डिसर्न मतलब कि कैसे भी उनकी जो आलोचना हो रही है और किसी भी रूप में उनका नुकसान हो रहा है। पैटर्न अमंग देम द ब्रॉड नैरेटिव ऑफ 2023 वाज ऑफ दैट डेमोक्रेटिक डिसकंसोलिडेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसकंसोलिडेशन मतलब एक कंसोलिडेट होते हैं, एक साथ आते हैं, डिसकंसोलिडेट अलग अलग। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वर सीन एज बिकमिंग मोर अथॉरिटेरियन, लेस रिस्पेक्टफुल ऑफ इंडिविजुअल मीडिया फ्रीडम, मोर अनफ्रेंडली टू ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन एंड लेस रिस्ट्रेंड बाय चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ द पावर। ऑटोनॉमस अपने आप, रिस्ट्रेंड मतलब रुकावट से द्वारा। आप देखो कितने प्यारे प्यारे शब्द ने कम टाइम में हम कवर कर लेते हैं। आप इन सारे वर्ड्स का मीनिंग एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, जिससे कि मुझे पता लगे कि यहाँ पर आपको वर्ड समझ आए या नहीं, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा आगे भी कर सकते हैं, परंतु आपको यहां पर उसके मीनिंग लिखने पड़ेंगे। लेट सी कौन से स्टूडेंट हैं जो इसका सही मीनिंग लिख पाते हैं, साथ ही साथ उनके कमेंट को हार्ट भी दिया जाएगा और उनको इनाम भी मिल सकता है अगर उन्होंने सही सेंटेंस बनाया वर्ड लिखने के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप देयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।